नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि किन किन कारणों से जो है आपका वाटर पंप जो है वो खराब होता है या वाटर पंप खराब हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको आपको कैसे चेक करना होता है। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, आपको नहीं पता चल रहा है कि वो खराब है कि नहीं है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो। तो सबसे पहला है कूलेंट लीकेज। कूलेंट लीकेज की वजह से जो है अगर कूलेंट लीक हो जाता है कहीं से भी, चाहे वाटर पंप के पास से लीक हो चाहे कहीं और से लीक हो, अगर कूलेंट गिर जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है, इंजन ओवरहीट होते हैं और उसका असर जो है वाटर पंप के सील जो होती हैं, ओरिंग्स वगैरह जो होती हैं वो जल जाती हैं या फिर उसमें कट जाती हैं, बहुत मतलब ओवरहीट होकर वो ख़राब हो जाती हैं। कुछ पैकिंग वगैरह होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, जिनकी वजह से कई वाटर पंप तो जो है अंदर का जो पंप है यानी जो उसको टुल्लू भी कहते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है, कुछ प्लास्टिक के आते हैं वो मेल्ट होके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं उसी में ओवरहीट होके, तो उस ओवरहीटिंग का जो असर है वो अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर वाटर पंप जो है एक दूसरे से अलग होता है। कोई मेटल के वाटर पंप्स देता है, कोई प्लास्टिक के देता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर पंप जैसा है उसके ख़राब होने के चांसेस वैसे बनते हैं। हमेशा कहीं भी लॉन्ग रूट अगर आप चल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना कूलेंट ज़रूर चेक करें, क्योंकि कूलेंट कम होने की वजह से या फिर अगर कूलेंट पंप तक नहीं पहुँच रहा तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। तो जब इंजन शाफ्ट यानी जो क्रैंक शाफ्ट पुली यानी जो पंप की पुली अगर वो रोटेट होती रहेगी तो वो हीट होती रहेगी, जिसके कारण जो है उसकी जो शाफ्ट है जो ओरिंग है वो कट जाएंगी, जिसकी वजह से आपका वाटर पंप खराब हो जाएगा। लेकिन इसकी सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कूलेंट लीकेज जो है हमेशा चेक कर लें। दूसरा कारण होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक गाड़ी चला रहे हैं, अगर अभी तक आपकी गाड़ी का कोई पार्ट नहीं खुला है या पंप वगैरह नहीं खुला है, इंजन ओवरहीट हो रहा है, तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला शाफ्ट है जो उसका टुल्लू है वो अगर टूट जाता है, कई बार क्या होता है कि वो बीच बीच में से कहीं कहीं टूट जाते हैं, जिससे पंप जो है अच्छा प्रेशर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। और उसमें कई बार क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म में कोई गाड़ी चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि रस्ट धीरे धीरे जो है जंग लगता है, और जंग के छोटे छोटे टुकड़े जो है उससे आपका जो वाटर पंप है वो डैमेज हो जाता है। कई बार वाटर पंप की जो टुल्लू है वो टूट के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता है, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे वाटर पंप बन जाते हैं अगर ओरिंग वगैरह हो, बेयरिंग वगैरह कटी हो, तब वो बन जाते हैं। लेकिन अगर मेजर फॉल्ट हो, जैसे जो वाटर पंप की हाउसिंग है अगर वो ओवरहीट होके कहीं से टूट गई है या कोई और फॉल्ट आ गया है, तो उसकी वजह से जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे वाटर पंप अगर ख़राब होता है तो उसको बनवाने के बजाय अगर आप रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा है कि वाटर पंप की जो पुली है वो अगर लूज़ होगी या फिर बेल्ट लूज़ होगी तो उसका भी असर जो है आपके वाटर पंप पे पड़ता है। अगर लूज़ होगी तो इसकी वजह से आपकी जो बेल्ट वाली पुली है वो ख़राब होगी, फिर या आपका जो पुली टाइट होता है आपके जो आपका वाटर पंप का शाफ्ट है वो डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो लूज़ होगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड के साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेशन की वजह से जो है आपके शाफ्ट डैमेज होने के चांसेस हैं या फिर आपकी जो वाटर पंप की हाउसिंग है वो टूट जाती है, कई बार क्रैक हो जाती है, कहीं से कहीं होल हो जाता है, जिसकी वजह से कूलेंट लीक हो जाते हैं और वाटर पंप कई बार जो है वो सीज भी हो जाता है इसके कारण से। चौथा है कि अगर आपका वाटर पंप काम नहीं कर रहा है तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गया, यानी अगर आप थोड़ी दूर जाएंगे तो आपका इंजन जो है वो 15-20 मिनट के अंदर ही ओवरहीट हो जाएगा। अगर 15-20 मिनट कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, ट्रैफिक में चलाते हैं, ट्रैफिक में 15-20 मिनट काफ़ी होते हैं, उसमें आपका इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाएगा। भले आपकी गाड़ी में कूलेंट पूरी तरह से भरा हो फिर भी जो है आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्केट फूटने के चांसेस होते हैं, फिर आपका जो रेडिएटर है वो लीक कर सकता है, फिर आपके वाटर पंप
मतलब कई जगह से लीकेज होते, आपकी जो होस पाइप्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, कई बार फूल जाती हैं, फूल के फट जाती हैं, जिससे कूलेंट लीक हो जाता है, और कई बार तो वाटर पंप के खराब होने के कारण जो है इंजन भी सीज हो जाते हैं। पांचवा कि अगर आपका वाटर पंप काम नहीं कर रहा है तो उसका असर जो है रेडिएटर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो रेडिएटर में क्या होता है कि आपका जो थर्मोस्टेट है उसमें दो तारे होती हैं, एक तार जो होती है जब वो हाई टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो जैसे ही वो हीट होती है वो आके दूसरी वायर से ऑटोमेटिकली सट जाती है, जिससे आपका जो रेडिएटर का फैन है वो ऑन हो जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका रेडिएटर फैन भी ऑन हो गया है, इसके कारण जो है कई बार क्या होता है कि अगर पंप काम नहीं कर रहा तो कूलेंट प्रॉपर ठंडा नहीं होता है। इसकी वजह से इंजन ओवर हीट होता है, यानी जो कूलेंट रेडिएटर के अंदर है सिर्फ वही कूल हो रहा है, लेकिन अगर पंप काम नहीं करता है, एकदम से बेकार हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो हीटर की तरह काम करने लगता है। इंजन हीट हो रहा है, बुलबुले प्रोड्यूस कर रहा है, स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण जो है रेडिएटर के अंदर जो है जो कूलेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और जब फैन ऑन होता है तो वही उसको ठंडा करने की बजाय वो इंजन की ओर जो है वो गर्म हवा फेंकना शुरू करता है, जिससे इंजन और ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, और इससे भी कई बार इंजन सीज हो जाते हैं। लेकिन इंजन्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद इंजन जो है ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाते हैं, और कई बार तो कई इंजन्स जो हैं वो बंद नहीं होते हैं, उनके भी अपने एक नुकसान हैं। लेकिन ज़्यादातर इंजन जो हैं वो एक सर्टेन जो टेम्परेचर है उस पर जाते ही, जैसे ही आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं, मैक्सिमम पर पहुंचते हैं, इंजन ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी कार कौन सी और उस कार में वो फंक्शन है या नहीं। छठा है कि अगर आपका रेडिएटर जो है वो चोक है, या फिर आपका कोई आपका रेडिएटर चोक है, या फिर और कोई जगह जो चोक है जहाँ से कूलेंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो कूलेंट जो पंप का प्रेशर है अगर वो प्रॉपर फ्लो नहीं बन रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, एक साइड से जो है कंटिन्यू प्रेशर बना रहता है पाइप के ऊपर। सपोज मान लीजिए पंप चल रहा है, एक साइड से वो इजीली जो है वो कूलेंट खींच रहा है, लेकिन दूसरे साइड वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि कई बार होस पाइप्स तो हैं वैसे बहुत ज़्यादा मजबूत आती हैं, तो वो जल्दी लीक नहीं करती, क्योंकि उनके ऊपर क्लैंप वगैरह लगे होते हैं, वो जल्दी फटती नहीं है। लेकिन इसका असर जो है वो चला जाता है रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर फिर जो कूलेंट बॉटल है उनके ऊपर जाता है। कई बार रेडिएटर आजकल तो प्लास्टिक के जो कैप्स आते हैं ऊपर, वो ज़्यादातर ओवर हीट होके क्रैक हो जाते हैं, तो वहाँ से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर कूलेंट बॉटल के थ्रू, क्योंकि कूलेंट बॉटल नीचे से दो तीन जगह से इंजन से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर रिलीज होता है कूलेंट बॉटल की तरफ से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पंप बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करता है तो रेडिएटर फट जाते हैं, क्योंकि जब मेरी गाड़ी में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है रेडिएटर का एक कोना जो है वो फट गया था। रेडिएटर के एक साइड में छोटा सा क्रैक, या फटा भी कह सकते हैं उसको, हल्का सा क्रैक आ गया था पाइप में, और एक छोटा सा क्रैक साइड में आ गया था, जिसकी वजह से जो है बार बार कूलेंट जो है, जिस वैसे अगर आप उसका कैप खोल के रखेंगे तो वो लीक नहीं होता था वहाँ से, लेकिन जैसे ही इंजन ओवर हीट होता था, अंदर स्टीम प्रोड्यूस होती थी, प्रेशर प्रोड्यूस होता था, वो उस होल से सारा कूलेंट गिर जाता था। तो ये छोटी छोटी जो होल्स होते हैं, इन्हीं के कारण जो है कई बार कूलेंट गिर जाते हैं, पता नहीं लगता है जब आप सर्विस कराते हैं तो। और कई बार क्या होता है, उसमें से कूलेंट फ्लो हो जाते हैं, उसका असर जो है कई बार इंजन के ऊपर आता है, और कई बार इंजन जो है वो सीज हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू ओवर हीटिंग पे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इसमें आपके पिस्टन क्रैक भी हो जाते हैं इंजन के अंदर, आपका कंप्लीट इंजन ओवरऑल करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार कंप्लीट जो आपका इंजन ब्लॉक है वो भी फट जाता है कई बार प्रेशर से, आपके गैस कार के जो गैस्केट्स हैं, हेड गैस्केट्स हैं, वो भी कई बार ब्लो हो जाते हैं उसके कारण से। जो भी वीक पॉइंट मिलेगा ओवर हीटिंग के समय, गाड़ी वहाँ से लीक कूलेंट जो है वो लीक करेगा, चाहे जो भी प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसे
जबरदस्ती अगर कहीं रुक रहा है या किसी भी कारण से रुक रहा है तो वहां से वो लीक करेगा और आपका इंजन जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।